नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे आईवी फ्लूड के बारे में। तो इसमें हम जानेंगे कि जो ऑपरेशन थिएटर होता है तो उसके अंदर कौन कौन सा फ्लूड हम यूज करते हैं, दूसरा जानेंगे कि उनका क्या यूज है, और अगला जानेंगे कि जो आईवी फ्लूड होता है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि वो कौन सा हाइपरटोनिक फ्लूड है, कौन सा आइसोटोनिक है, कौन सा हाइपरटोनिक फ्लूड है। इस वीडियो में इन्हीं तीन टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। आईवी फ्लूड को जानने से पहले हम जानेंगे बॉडी फ्लूड के बारे में। तो इंसान नॉर्मल इंसान है जिसका वजन 70 किलो है, तो उसकी बॉडी के अंदर जो बॉडी फ्लूड रहेगा वो रहेगा 60%। तो 60% के हिसाब से उसकी बॉडी के अंदर 42 लीटर रहेगा बॉडी फ्लूड। और ये जो बॉडी फ्लूड रहता है ये दो कंपार्टमेंट में बटा रहता है, इंट्रा सेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर। इंट्रा सेल्युलर सेल के अंदर रहेगा 2/3 के हिसाब से। तो ये मतलब जो उसकी बॉडी के अंदर जो बॉडी फ्लूड है, जैसे मान के चलो 60% है, तो उसका 2/3 रहेगा, तो ये 67% रहेगा इंट्रा सेल्युलर फ्लूड। और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूड रहेगा तो ये रहेगा 33%। अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करें तो 42 लीटर टोटल, 70 kg का जो पर्सन है उसका टोटल 42 लीटर आएगा बॉडी फ्लूड, और इसमें से 28 लीटर आएगा हमारा इंट्रा सेल्युलर और 14 लीटर आएगा हमारा एक्स्ट्रा सेल्युलर। और जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूड रहता है वो भी दो प्रकार का रहता है, मतलब दो कंपार्टमेंट में बटा रहता है। इंटरस्टिशियल फ्लूड रहेगा और एक रहेगा हमारा वेस्कुलर फ्लूड जो वेसल्स के अंदर रहता है, तो ये हमारा प्लाज्मा रहेगा। तो इन दोनों को मिला के ये रहेगा एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूड। हम जानेंगे नॉर्मल स्लाइन के बारे में, जिसे कि हम NS के नाम से जानते हैं, और इसका यूज हम करेंगे जो पेशेंट है जो जिनको डिहाइड्रेशन हो गया है, पानी की कमी है तो उनके लिए, और ऐसे पेशेंट जिनको हाइपोनेट्रेमिया हो गया है, सोडियम की कमी है, तो उसको पूरा करने के लिए इसका यूज करेंगे। अगला ऐसे पेशेंट जिनका वुंड वॉश करना है या सर्जरी हुई है तो उसके बाद में जो सर्जिकल साइट है तो उसको वॉश करने के लिए नॉर्मल स्लाइन का यूज करते हैं। दूसरा कुछ ऐसे इंजेक्शन आते हैं जो पाउडर फॉर्म में आते हैं, तो उनको डिजोल्व करके और लगा सकते हैं, या फिर हम कुछ इंजेक्शन हैं जिनको हम NS बोतल के अंदर डाल के और पेशेंट को हम लगा सकते हैं पेशेंट। दूसरा रहेगा हमारा DNS, जिसे हम कहेंगे डेक्सट्रोज नॉर्मल स्लाइन। तो इसका यूज हम करेंगे डिहाइड्रेशन पेशेंट में और ऐसे पेशेंट में जिनमें हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लूकोज की कमी आ गई है, तो उसमें DNS का यूज करेंगे। और पेशेंट है जिनका फ्लूड मेंटेनेंस करना रहता है तो उसमें हम फ्लूड को मेंटेनेंस करने के लिए भी इस बोतल का यूज कर सकते हैं। और ऐसे पेशेंट जिनको डायबिटीज है तो उन पेशेंटों में इस फ्लूड का यूज नहीं करेंगे। तीसरा रहेगा RL, जिसे हम कहेंगे रिंगर लैक्टेट, और इसको हम हार्टमैन बोतल के नाम से, फ्लूड के नाम से भी जानते हैं, और इसका यूज हम ज़्यादातर जो बर्न पेशेंट रहते हैं तो उनमें करते हैं। और दूसरे जो अक्यूट ब्लड लॉस हो गया है, जिनका ज़्यादा ही ब्लड लॉस हो गया है तो उसमें कर सकते हैं, और ऐसे पेशेंट जिनको हाइपोटेंशन है तो उनमें हम इस फ्लूड का यूज कर सकते हैं। अगला रहेगा हमारा डेक्सट्रोज 5%, और इसका हम यूज करेंगे हाइपरनेट्रेमिया में, और दूसरा हम इसका यूज कर सकते हैं, ये आइसोटोनिक रहता है तो फ्लूड को मेंटेनेंस रखने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। आइसोलाइट पी का यूज हम जो पेडियाट्रिक बच्चे रहते हैं तो उनमें फ्लूड मेंटेनेंस करने के लिए इस फ्लूड का यूज करते हैं। अब हम जानेंगे कि जो हमारी जो बॉडी है उसका जो फ्लूड है तो उसकी जो ऑस्मोलिटी वो नॉर्मल रहेगी 285 से 295 मिली ऑस्मोल पर लीटर, लेकिन ये अगर 270 से लेके 310 तक है तो उसको हम आइसोटोनिक फ्लूड कहेंगे, और इसके ऊपर रहेगी उसको हम कहेंगे हाइपरटोनिक फ्लूड, और 275-70 से अगर नीचे रहेगी तो उसको हम कहेंगे हाइपोटोनिक फ्लूड। तो हम एक एक करके देखेंगे कि कौन सा फ्लूड है, तो उसकी जो ऑस्मोलरिटी वो किस रेंज में आ रही है, उसी आधार पे उसको हम हाइपर, हाइपो या आइसोटोनिक में रखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसके अंदर आएगा हमारा नॉर्मल स्लाइन, और हमारा जो D5% है वो आएगा डेक्सट्रोज 5%, और हमारा रिंगर लैक्टेट, ये सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आएगा, क्योंकि इनकी जो ऑस्मोलरिटी है वो बॉडी फ्लूड की ऑस्मोलरिटी के बराबर रहती है। तो ये सारे फ्लूड हमारे आइसोटोनिक में आएंगे। जो हमारा NS है उसके अंदर सोडियम और क्लोराइड मिला रहता है, तो इनकी सोडियम की 154 और क्लोराइड की 154 दोनों को मिला देंगे तो 308 इनकी ऑस्मोलरिटी आएगी, जो कि बॉडी फ्लूड की ऑस्मोलरिटी के बराबर होती है। तो ये हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आएगा।
डेक्सट्रोज 5%, तो इसकी ऑस्मोलिटी 252 रहेगी, जो भी लगभग आइसोटोनिक सॉल्यूशन की ऑस्मोलिटी के बराबर रहता है। इसकी जो बॉडी फ्लूड है उसकी ऑस्मोलिटी के बराबर रहेगा, ये भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आएगा। सिंगल लिक्विड इसकी ऑस्मोलिटी 273 रहेगी, ये भी हमारा आइसोटोनिक में आएगा। अब हम जानेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कौन सा हमारा आईवी फ्लूड आएगा। तो इसके अंदर जो 0.9% जो हमारा नॉर्मल स्लाइन था वो आइसोटोनिक फ्लूड था, और इससे नीचे के जितने भी नॉर्मल स्लाइन है वो हाइपोटोनिक में आएंगे, जैसे कि हमारा 5% या हम कह सकते हैं हाफ NS, तो ये भी हमारा हाइपोटोनिक में आएगा क्योंकि इसकी जो ऑस्मोलिटी है वो आधी हो जाएगी। वहाँ 154 थी, अब ये 77 दोनों 154 इसकी ऑस्मोलिटी होगी, तो ये हमारा हाइपोटोनिक में आएगा। दूसरा जो हमारा डेक्सट्रोज है, यदि हम हाफ डेक्सट्रोज लेते हैं तो ये भी हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आएगा क्योंकि उसकी ऑस्मोलिटी 126 रह जाएगी। अब हम जानेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कौन सा हमारा आईवी फ्लूड आएगा। तो जो 0.9 हमारा NS था, यदि हम इससे ज़्यादा मात्रा में NS लेते हैं तो वो हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आएगा, जैसे 3% NaCl, 5% NaCl, तो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आएगा। डेक्सट्रोज 10%, ये डेक्सट्रोज 10% भी हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आएगा। डेक्सट्रोज 50% इन वाटर, तो ये भी हमारा इन फ्लूड की ऑस्मोलिटी है वो 310 से ऊपर रहेगी, तो ये सभी फ्लूड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आएंगे। प्रकार से हम ऑपरेशन थिएटर वार्ड में कहीं भी आईवी फ्लूड को उठाएंगे और उसकी ऑस्मोलिटी देखेंगे तो आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा फ्लूड हमारा हाइपोटोनिक है, कौन सा फ्लूड आइसोटोनिक है और कौन सा हाइपरटोनिक है।